हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात अंधविश्वास की महामारी की। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए मैं पंचभूमि यज्ञ तपस्या कर रहा हूँ। एक तपस्वी 42 डिग्री पारे की तपती धूप में धुनी रमाकर तपस्या करते नजर आते हैं। क्या आप मानेंगे कि ये भी कोरोना भगाने की तपस्या कर रहे हैं? एक तपस्वी ये हैं जो धुनी के धुएं के बीच हाथ जोड़कर कोरोना को मारने की तपस्या कर रहे हैं। ये साधु कोई गांव किसी कस्बे में नहीं है, ये तपस्वी हैं देश में साइबर सिटी गुरुग्राम के वजीराबाद में भभूत लगाकर बैठे हुए। हमारा सवाल आस्था पर कतई नहीं। पूजा करने से मन को शांति मिलती, लेकिन यही पूजा जब अफवाहों के फैलने का कारण बनने लगे, ऐसी आस्था जब अंधविश्वास को जन्म देने लगे, तो समाज को जागरूक करना जरूरी। ये बात कहने के पीछे की वजह इन्हीं से सुन लीजिए। इस तपस्या के कारण ही तो महामारी खत्म होगी, इसलिए हम ये तपस्या कर रहे हैं। ये बीमारी के कीटाणु गर्मी से ही खत्म होते हैं। कुछ हमारी तपस्या, कुछ अग्नि की तपस्या, कुछ सूरज देव की धूप, कुछ आप लोगों की, भक्तों की, सबकी आस्था, सबको मिलाने के बाद में महामारी के कीटाणु जर्म्स अपने आप खत्म हो जाए। कोरोना का संक्रमण न आग से खत्म होता है, न कोरोना गर्मी से खत्म होता है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे पाया। कोरोना काल में अंधविश्वास की महामारी भी फैली हुई है। देश के कई हिस्सों से इस अंधविश्वास की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिहार के कैमूर में महिलाओं ने कोरोना को देवी मानकर पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत भी गाए। दरअसल पूरे जिले में कोरोना को माता का रूप मानते हुए उनके गुस्से को शांत करने के लिए पूजा अर्चना की होड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ बिहार के ही गोपालगंज में भी महिलाओं ने कोरोना को देवी मानकर पूजा की। महिलाओं के ऊपर अंधविश्वास इस कदर हावी है कि उन्हें लगता है कि गुड़हल के 9 फूल, गुड़ की 9 डली, 9 लौंग और सिंदूर की 9 लकीर से पूजा के बाद कोरोना माता इनसे दूर चली जाएगी। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने अंधविश्वास की बानगी है, ये दोनों ही तस्वीरें। तो अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोगों ने महादेव को कोरोना वाले महादेव का नाम दिया है। महादेव को ये नाम देने के पीछे की वजह क्या है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वैसे ये है तो शिव मंदिर, लेकिन अब इसका नामकरण किया गया है कोरोना वाले महादेव। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में स्थित इस मंदिर पर जिसकी भी नजर गई वही चौंक गया। पता चला कि लॉकडाउन के दौरान मंदिर में महादेव की मूर्ति की स्थापना की गई और कोरोना काल के असर में ही नाम दे दिया गया कोरोना वाले महादेव। यहाँ पे जो पुराने मूर्ति ऊपर की थी, तो ये मूर्ति खंडित हो चुकी थी। तो जब कोरोना चालू हुआ था तो उसी दौरान में मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई थी। तो इसे कोरोना वाला बाबा के नाम से स्थापित कर दी थी भोले शंकर की। यार आज तक के हमारे यहाँ पिछुली ब्लॉक में कोई पाजुटी यहाँ पे कोरोना वाले बाबा के नाम से रखा तो कोई मरीज नहीं मिला हमें। संयोग से तब से लेकर आज तक जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अब विश्वास के पीछे कोई तर्क तो होता नहीं है, लिहाजा लोगों ने इसे महादेव की कृपा बता दिया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, तो उसी लॉकडाउन में हमने उसका पूरा परिपालन करते हुए महादेव की स्थापना की थी। तो चिचोली क्षेत्र सुरक्षित रहा, तो उनको हमने कोरोना वाले महादेव नाम दिया। ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना का संकट गहरा गया है, बैतूल के इस इलाके के लोग अब इस महादेव के ही भरोसे हैं। तो जगह जगह से अंधविश्वास की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमूर और गोपालगंज, दोनों ही तस्वीरें बिहार से हैं। कहीं पे कोरोना को माता का प्रकोप मान लिया जा रहा है और माता को खुश करने की कोशिश की जा रही है। क्या अंधविश्वास से भागेगा कोरोना? क्या ये पढ़ाई लिखाई की कमी है या विश्वास के सामने कोई तर्क टिकता नहीं है? तो इन महिलाओं को आप देख सकते हैं और ये गोपालगंज की तस्वीरें हैं। माता को शांत करने की कोशिश की जा रही है, 9 लौंग के जोड़े लिए गए हैं, 9 लकीरें सिंदूर से खींची जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं अंधविश्वास की।